मुंबई सेंट्रल से यहाँ तक 8,000 रुपया? अवे ना अवे, ये मुंबई सेंट्रल से इधर तक का नहीं भाई, अहमदाबाद से इधर तक का 8,000 रुपया। ये टैक्सी अहमदाबाद से मुंबई तक का ही है। ये सामान किधर रखना है? वहाँ रूम में रख दीजिए सामने। नहीं नहीं जीजा जी, यहीं पे रख दीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक काम कीजिए ना, सामने रख दीजिए ना रूम में। नहीं नहीं बहन, यहाँ रखने दो ना। सुंदर मैं कहती हूँ ना, वहाँ रूम में रखने दो ना। मैं अपनी बैग ढूंढ रहा हूँ, ब्लू कलर की थी। एक और बैग थी? हाँ, उसी में तो मेरा पूरा सामान था। ये सब में तो मैं आपका सामान लाया हूँ, उसी में तो मेरे पूरे कपड़े थे। आप लाए नहीं क्या? दया का फोन आ गया। तू अब मेहरबानी करके घर पे चलिए और उसको समझाइए कि लाख कोशिश करने के बाद भी बैग नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे जीजा जी फोन नहीं उठा रहे हैं। उनको बैग मिली ही नहीं होगी। बहना अगर अहमदाबाद होता ना तो मैं फटाक से बैग ढूंढ निकालता। अरे एक नहीं दो दो बैग ले आता। ये जीजा जी भुलक्कड़ हो गए क्या? अब ए आ गए तुम्हारे जीजा जी। मिली मिली बैग मिली। अगर मिली होती तो ये मेरे दोनों हाथों में से एक हाथ में बैग होती ना। है कुछ मेरे हाथ में? है नहीं। तो मतलब अरे क्या कर रही है? नहीं मिली बैग तो कहाँ गई? बैग गुम हो गई। बाबू चक कहीं का आके खड़ा हो गया, गुम हो गई बैग। एक काम ढंग से नहीं कर सकता। पर बापूजी बैग मैंने थोड़ी घुमाई है। सब तेरी गलती है। बैग टैक्सी में रह गई, इसमें मेरी क्या गलती बापूजी? और इसको भी तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, सामान उतारने में मेरी मदद करनी चाहिए। ये तो बस माय डियर बहना कह के निकल लिया। माता जी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी? अच्छा हुआ बहन याद दिला, मैंने माँ को तो फोन किया ही नहीं। जीजा जी आपके फोन में एसटीडी है? हाँ हाँ है ना। हाँ दो ना, माँ बेचारी चिंता कर रही होगी। हाँ। लाओ। हेलो। हाँ माँ मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ माँ मैं अच्छी तरह से पहुँच गया हूँ। हाँ माँ यहाँ सब अच्छे। हाँ चंपक बापूजी भी अच्छे। हाँ और टप्पू भी अच्छा है। हाँ बहना भी अच्छी है। हाँ और जीजा जी वो अच्छे नहीं है। क्यों क्या माँ? उन्होंने मेरी ब्लू कलर की कपड़े वाली बैग घुमा दी। क्या वो बैग घर पे ही है? अहमदाबाद ही रह गई है? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं माँ। हाँ मैं रखता हूँ माँ फोन। जीजा जी रिलैक्स, बैग मिल गई है, अहमदाबाद में ही है। माँ भी कैसी है? आप जैसी एकदम फुलक्कड़। बापू जी अब बोलिए, कौन है बाबू चक? ए भाई वो फोन मेरा है, जेब में कहाँ रख रहा है? सुनिए बैग तो अहमदाबाद रह गई है। ये? हाँ तो जाइए ना। किधर? अहमदाबाद। पागल हो गई है, इसकी बैग लेने के लिए मैं अहमदाबाद जाऊँ? माय डियर जीजा जी उसमें मेरे बहुत इम्पोर्टेंट पेपर्स है, और फिर मैं कपड़े कौन से पहनूंगा? आइडिया, पापा हम मामा के लिए मॉल से नए कपड़े लेके आते। वो भी सही है। अरे बाप रे, इसके कपड़े यहाँ मॉल में से खरीदे तो 8-10 हजार का चूना लग जाएगा, इससे तो अहमदाबाद आना जाना सस्ता पड़ेगा। नहीं नहीं मैं काम करता हूँ, वो नटू काका को भेजता हूँ, वो जाके लेकर आएंगे अहमदाबाद से तुम्हारी बैग। वो भी ठीक है। हेलो। हाँ नटू काका। बोलो सेठ। अहमदाबाद जाना है? हाँ तो जाओ ना, मेरी परमिशन क्यों मांगते हो? क्या हुआ नटू काका? आपको अहमदाबाद जाना है आज के आज, ताबड़तोब, जल्दी से जल्दी फटाफट टिकट बुक करो और वापस मुझे फोन करो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। खुश? थैंक यू।
हाँ जी, आपकी टिकट बुक हो गई है। थैंक यू। हेलो, सीमा ट्रेवल्स। मैं गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। मेरे को अहमदाबाद का टिकट बुक करने का है। अच्छा, कब की? आज की, अभी की, जो पहले प्लेन की टिकट मिले वो। हाँ, सिर्फ जाने की या रिटर्न भी? अरे मैं मुंबई में रहता हूँ, वापस तो आना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आपका नाम लिखो। नटवरलाल प्रभा शंकर उंडाई वाला। आपकी उम्र? उम्र देखो ना, 1951 में मेरा जन्म हुआ था, तो ये कौन सा साल चल रहा है? 2008। हाँ 2008, तो गिन लो ना, उस हिसाब से जो आपको योग लगे वो लिख लो। ठीक है, तो मैं रिकन्फर्म करती हूँ, आपकी उम्र 57 साल, आपका नाम नटवरलाल प्रभा शंकर उदय वाला, मुंबई अहमदाबाद, अहमदाबाद मुंबई रिटर्न, आपका फेयर होगा 14,000। जो है 15-16-17,000 जो है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के अकाउंट में लिख लेना। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होगी। मतलब? मतलब अगर आप ये टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कैंसिल क्यों करने का, जाने का इसलिए तो बुक किया। ठीक है, तो मैं कंफर्म करती हूँ और आपको टिकट भेज दूंगी। थैंक यू। ठीक है मैडम। नटवरलाल, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बचपन की इच्छा पूरी होगी, उड़ो प्लेन में। देख मेरे वीरा, तुम्हें जो जो पसंद है ना वो सब बनाया है। My dear Ben, you are so sweet. I understand your bhavna. कितना सारा खाना बनाया है, कितनी सारी आइटम है, मैं कैसे खा पाऊंगा, मैं कौन से पेट में डालूंगा? ये भाई, इधर 3 पेट और बैठे हैं खाने के लिए, ये हम भी खाने वाले हैं, तुम कैसे खा रहे हो देखने के लिए नहीं बैठे इधर। खाओ खाओ। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी, टिकट हो गई है बुक अहमदाबाद की। हो गया, चलो अच्छा, कौन सा ट्रेन की मिली? अरे ट्रेन की नहीं, प्लेन की टिकट बुक हो गई। प्लेन की? हाँ। अरे आपने प्लेन की टिकट क्यों निकाली? आपने तो बोला था अर्जेंट है, तो प्लेन से अर्जेंट क्या हो सकता है? नटू काका, मैं क्या करूँ आपका? वो आपको मालूम। तो सुनो, सबसे पहले काम करो, प्लेन की टिकट कैंसिल करो और ट्रेन में जाओ। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल नहीं हो सकता है। क्यों? उसने चोखा बोला है कि अगर टिकट कैंसिल हुई तो 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। तो जाओ प्लेन में। लेकिन सेठ जी, अहमदाबाद जाके क्या मुझे काकरिया तालाब की पाड़ी पे चक्कर मार के वापस आना है? अरे नहीं, मेरे ससुराल जाके मेरे ये लो ना। साले की बैग वहां से लानी है। हाँ हाँ, एड्रेस लिखो। 1 मिनट से चालू रखना। हाँ बोलिए। बेना, हाँ हाँ, क्या हुआ? मेरी बैग आ गई बेना। अरे वाह, कैसे आई? मैंने कुरियर में भेज दी। हाँ, अजी सुनते हो? क्या है? अरे सुंदर की बैग आ गई। कैसे? मैंने कुरियर में भेज दी। बोलो, और मैंने यहाँ नटू काका को प्लेन से भेजा तुम्हारी बैग लाने के लिए। सब पेमेंट? अहमदाबाद में तो दिया नहीं होगा। कितना हुआ? 2,000 रुपए साहब। 2,000? सेम डे डिलीवरी साहब। जीजा जी, आप टेंशन क्यों लेते हो, पैसे मैं दे देता। अरे नहीं नहीं, टोपो के पापा को बुरा लगेगा, है ना? घर आए हुए मेहमान से पैसे दिलवाना अच्छा लगेगा, नहीं ना? ये दे रहे हैं। हाँ भाई, मेरी कसम में बोलना मत। नहीं बोलूंगा बेटा। सर साइन। और फोन नंबर भी लिखना। अरे मालूम है भाई, पहली बार डिलीवरी नहीं ले रहे। भाई बैग आ गई है ना, तो तू पहले कपड़े बदल ले। अरे कपड़े तो बाद में भी बदलूंगा, पहले मेरे पेपर्स चेक कर लूं। ये रही मेरे इम्पोर्टेंट पेपर्स की फाइल, इसमें है तुम्हारी सोसाइटी वालों के लिए स्कीम के पेपर्स। स्कीम? हाँ, अरे मुझे एक प्लॉट पानी के भाव में मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अरे तुम्हारी सोसाइटी वालों को बहुत फायदा हो जाएगा। बहन तू एक काम करना, कल सोसाइटी वालों को बुला लेना और फिर देखना मेरी स्कीम का कमाल। ए भाई, तू आया वो काफी नहीं है, कभी स्कीम भी लेके आया? खबरदार, जो सोसाइटी वालों के तेरे स्कीम में घसीटा तो। हाँ
क्या आप भी हमेशा मेरे भाई को बुरा भला बोलते रहते हो? भाई तू फिकर मत करना, मैं पूरी सोसाइटी वालों को बुला लूंगी, फिर तुम्हें जो सुना देना हो वो सुना देना। हाँ तू अभी फटाफट कपड़े बदल लेना। अच्छा बेना, जल्दी। और क्या आप भी, वो यहाँ पर थोड़े पैसे कमा लेगा तो उसमें आपके पेट में क्यों दुखता है? मेरे पेट में नहीं, मेरी जेब में दुखता है दया। ये तेरा भाई एक नंबर का चैप्टर करू कंपनी है। वो जब भी यहाँ आया है मुझे चूना लगा के ही गया है। अभी पिछली बार की बात करूँ, दुकान से 25-25 हजार के दो महंगे वाले मोबाइल लेके गया और बोला कि मैं अहमदाबाद जाके 50 हजार के 60 हजार भिजवाता हूँ जीजा जी। वो खुद अहमदाबाद जाके आ गया, अभी तक उसके पैसे नहीं आए। तो इस बार कमाएगा ना तो उसमें से आपको दे देगा। ए डोबी, चुप रहे और खबरदार सोसाइटी वालों को घर पे बुलाया है तो मैं भी देखता हूं ये अपनी स्कीम कैसे चलाता है। अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी का 8,000, कुरियर का 2,000, नोटू काका की प्लेन की टिकट बोलो 14,000, 8 और 10 और 14 24,000 रुपया। ये मेरा साला सुंदर लाल अभी तो अहमदाबाद से आया ही है कि मुझे 24,000 का चूना लगा दिया। सेठ जी जैसी कसना। आओ, आ गए अहमदाबाद से। अरे सेठ जी बहुत मजा आ गया। सच कहूं मैं जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठा। 7 साल का छोटा था ना तब से मेरी प्लेन में बैठने की इच्छा थी, वो आपके साले की वजह से पूरी हो गई। भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करे। ऐसा मत बोलिए नटू काका, उसकी हर इच्छा पूरी हो गई ना तो मेरी आखिरी इच्छा की नौबत आ जाएगी। अरे नहीं नहीं सेठ जी ऐसा नहीं होगा, जो भी हो बाकी मेरे को बहुत मजा गया। अरे कमल की बात तो ये है सेठ जी कि 1 घंटे में तो मुझे अहमदाबाद फेंक दिया। और क्या बताऊं सेठ जी, पूरे प्लेन में अपनी दुकान की तरह एसी था और लड़कियां क्या सेवा करती थी, मुझे इतना खोबा भर के चॉकलेट खिलाया अच्छी अच्छी और फिर अच्छा अच्छा नाश्ता करवाया, जूस पिलाया जूस। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। ऐसा विचार आया कि मैं यहीं पर रह जाऊं। तो रह जाना था ना उधर ही। हाँ फिर दुकान कौन संभालता? आपके अलावा तो कोई है ही नहीं ना दुकान संभालने के लिए। और सेठ जी सबसे आनंद की बात तो ये है कि भाई दूज के दिन आपकी वजह से मैं अपने अहमदाबाद वाली बहन को मिल सका। और मेरी बहन ने तो आपको आशीर्वाद दिए कि भगवान करे तेरे सेठ को हर भाई दूज के दिन ऐसा अर्जेंट काम निकले और हर भाई दूज के दिन तुमको प्लेन में अहमदाबाद भेजे। अरे हाँ सेठ जी, ये अहमदाबाद का प्रख्यात शेयर बाजार का चिवड़ा मैं आपके लिए लाया हूँ। नटू काका ये सब खर्चा करने की आपको क्या जरूरत थी? अरे मैंने कहाँ खर्चा किया सेठ जी, ये तो दुकान के खर्चे में जाएगा ना। तो लाओ। बाकी सेठ जी अभी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी मुझे भेजना है ना अर्जेंट काम के लिए, मुझे आप भेजिए, अभी मुझे प्लेन में जम गया है। ठीक है, याद रखूंगा। बापूजी जल्दी कीजिए, बस आने का वक्त हो गया है। टप्पू तेरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं? शिरडी। बेना जीजाजी मेरी स्कीम में टांग तो नहीं अड़ाएंगे ना? अरे भाई तू उनकी चिंता मत कर, वो तो पतंग जैसे हैं, उनको खुद कोई पता नहीं होता है कब कहाँ गुलाट खाए जाएंगे। बापूजी आप टप्पू के पापा को कहिए ना। क्या कहूँ, मेरे भाई के ब्लॉट में पैसे रोकने के लिए सबको समझाएं। हैं? कौन सा लोट? देख बहू वो सब मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि पैसों के मामले में रिश्तेदारी में व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। और सुंदर तू जो कुछ भी करना सोच समझ के करना है, रिश्तों में मिठास कम नहीं होनी चाहिए। ए चंपक भाई आ? चलो जल्दी करो बस चला जाएगा। अबे अबे चलो 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 संभल कर उतरना बापूजी। आइए बापूजी, ठीक तरह से उतरिए बापूजी, संभल कर। और सुनिए बापूजी, पहुँचती है मुझे फोन कर देना और अपना ख्याल रखना और बाहर का चटाकेदार खाना मत खाना, होटल का रूम अच्छा ना हो ना तो बदलने को बोलना और साईं बाबा को हमारी ओर से दर्शन भी कर लेना और रूम की खिड़की ठीक तरह से बंद करना वरना सर्दी हो जाएगी, बंदर टोपी रखी है ना वही पहनना और पानी रखा है वही पीना और कपड़े
धोकर मत लाना, मैं धो लूंगी। और हाँ, वो दवाई दवाई रखी है ना, वो पी ली ना ठीक तरह से। और कुछ? और मैं चलता हूँ। भाई नाना जी आओ जी टप्पू। अरे चाचा जी इनका ख्याल रखना। फिकर नहीं करना, फिकर आते रहे। चलो भाई निकलो। हैं? मतलब बस छूट जाएगी ना वरना। हाँ हल भाई हल। बाय बाय नाना जी। आओ जो बापू जी, आओ जो चाचा जी। बापू जी शांति से दर्शन करना। लेकिन मेरे जी को शांति नहीं है माय डियर बहना, अब मेरी स्कीम का क्या होगा? अरे भाई तू फिकर मत कर, माने कहा है ना, अच्छे विचार हो तो काम भी अच्छा ही होता है। हा? चिंता मत कर माय डियर भांजे टप्पू, अब मैं सोसाइटी वालों को कैसे समझाऊंगा? डोंट वरी मामा, टप्पू है ना। शिक्षक ही समाज को सही राह दिखाता है। सही है ना? भीड़े अंकल। हाँ? ये शिक्षक का मतलब क्या? शिक्षक मतलब टपो। अरे भीड़े अंकल मजाक कर रहा हूँ। भीड़े अंकल आपने बहुत अच्छा लिखा है। एक बात बताओ अंकल, जहाँ शिक्षक नहीं होते वहाँ राह कौन दिखाता है? वहाँ पर ट्रैफिक हवलदार। एक अप। पर भीड़ अंकल आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? शिक्षक जो हूँ। लगता है इस बार की मीटिंग इस दरवाजे के लिए रखनी पड़ेगी। टप्पू ने फिर पैसे कमाने का अच्छा चांस, मिलिए टप्पू के घर आज रात 9 बजे। क्या है ये? रात को आकर देखिएगा। ये क्या? बबीता जी क्या घर की लाइट चालू? इसका मतलब बबीता जी वापस आ गई। चलो बबीता जी को हैप्पी दिवाली तो बोल के आओ। हाँ बोलो दया। कहाँ हो? जल्दी घर पर आ जाओ। क्यों? अरे जल्दी घर पर आ जाइए वरना खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों क्या हुआ बापू जी? वो तो गए। कब? दोपहर को। हे भगवान, क्या बोल रही हो दया तुम? आपको बोला तो था कि वो आज शिरडी जाने वाले हैं। नॉनसेंस, ऐसा सीधा बोलना शिरडी गए? कुछ भी बोलती रहती है, फोन रखा रहा हूं मैं। क्या जेठा भाई? पैसे कमाने का अच्छा चांस, मिलिए टप्पू के घर आज रात 9 बजे। लीजिए, बैग मिल गया सुंदरलाल का, जिसके लिए जेठालाल बड़ी देर तक परेशान रहे। कहते हैं अगर चिराग घिसो तो उसमें से जिन्न निकलता है। यहां बैग में से निकले स्कीम के कागजात। सुंदरलाल लेके आए कोई स्कीम, और जेठालाल जानते हैं कि स्कीम के अंदर सारे सोसाइटी वाले परेशान होंगे, लेकिन करे क्या, उसे तो खबर मिली कि आज रात 9 बजे मीटिंग है। अब देखिए सोसाइटी के लोगों की मीटिंग, सुंदरलाल की स्कीम और आगे आने वाली तकलीफें जो आएंगी आपके साथ हंसी के रूप में। हम सब मिलेंगे हंस के तारक मेहता का उल्टा चश्मा में।
हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।